हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा टू कलर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे टू कलर की वूल ली है, एक रेड लिया है, एक मैंने वाइट लिया है, और मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। ये मेरी वर्धमान वाली बेबी वूल है। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैपिड, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इस डिजाइन को बुनना चाहते हैं 3 प्लाई वाले 3 तार वाली वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। बच्चों के स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो इसको बुनना शुरू करते हैं। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल फंदे डाल के और 5 फंदे प्लस किए हैं। जैसे पहले 6 गिनिएगा, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, लास्ट में आपके 5 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये मैंने 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, एक उल्टे और एक सीधे का, एक उल्टा एक सीधा। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप बैक साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि डिजाइन हमारा राइट साइड से बनना शुरू होगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। बच्चों के स्वेटर पर, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर आप डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो ये है राइट साइड, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो को हम धागा पीछे करते हुए पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे। ये सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बना लेंगे। इतना आसान डिजाइन है, जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना लेंगे। टू कलर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। बच्चों के स्वेटर में डालिए, बच्चों के कार्डिगन में डालिए, कैप में डालिए, सॉक्स वगैरह में डालिए, ब्लैंकेट में डालिए, किसी में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन हमारा ये बन के आएगा। तो ये सीधी साइड से इस सिलाई को मैंने पूरी को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसके रोंग साइड में। फर्स्ट रो पूरी सीधी सीधी बना के कंप्लीट की। अब आ जाइए इसके रोंग साइड में, यहां से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो सेकंड रो हमारी बन के बैक साइड से कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसके थर्ड रो में, यहां पर देखिए अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। मैंने यहाँ पे रेड कलर ज्वाइंट किया है। आपका कोई भी कलर है आप यहाँ पर ज्वाइंट कीजिए। तो अब सेकंड कलर लगाएंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। तो ये फर्स्ट फंदा है, इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब ये 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3। धागे को आगे ही रखेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से ये 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा आएगा तो इस फंदे को फिर से उल्टा ही बनाएंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों आप उनको ऐसे ही सेट करते जाइएगा। 3 बनाएंगे, स्टार्टिंग में 1 फंदा उल्टा, फिर 3 स्लिप करेंगे, 3 बनाएंगे, 3 स्लिप करेंगे, ऐसे ही करते हुए फर्स्ट रो को बना लेंगे, थर्ड रो को। अब आ जाइए इसकी 4th रो में। तो देखिए यहाँ से जो फंदे हमने बुने हैं उनको सीधा बनाएंगे। सीधी तरफ से उल्टे थे, यहाँ से इनको सीधा बनाएंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर ये 3 फंदे रेड बुने हुए हैं, यहाँ से ये सीधे नजर आएंगे तो इनको सीधा बनाएंगे। सीधी तरफ से ये उल्टे थे तो यहाँ से इनको सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3।
फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन, फिर से तीन स्लिप करेंगे, फिर से तीन सीधे बनाएंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, अब फिर ये लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो चार सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए पांचवी सिलाई में, राइट साइड में। बहुत ही आसान डिजाइन और बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। तो दो सिलाइयां हमारी आएंगी सेकंड कलर से, फिर से दो सिलाई आएंगी हमारी। अब ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, यहाँ से अब पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। स्लिप फंदे भी बनाएंगे और जो फंदे हमने बुने थे उनको भी सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। दो सिलाइयाँ हमारी सेकंड कलर से डलती जाएंगी और चार सिलाइयाँ हमारी बेस कलर से डलती जाएंगी। जो स्टार्टिंग में दो सिलाई डाली थी, एक सीधी एक उल्टी, वो हमारी बेसिक रो है, वो सिर्फ हमारी एक बार डलेगी जब हम डिजाइन डालेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बन के सीधी तरफ से कंप्लीट हुई। पांचवी सिलाई थी, अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, छठी सिलाई में। यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए, ऐसे बना लीजिए। तो ये हमारी सिक्स रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए इसके सीधी तरफ। तो देखिए अब फिर हम वाइट से ही बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये एक फंदा हमने जब रेड से बुने तो एक फंदा बुन के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीन फंदे हमने स्लिप किए थे। अब हम जो ये बीच का फंदा है स्लिप फंदा, इस पे हम डिजाइन डालेंगे। तो देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब जो ये तीन फंदे हैं जो हमने स्लिप किए थे, इसमें से एक फंदा हम बुन लेंगे। जो सेकंड फंदा है वो इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे, यहाँ से रेड फंदे के, और इस सीधे फंदे को बुनेंगे और इसको वापस इसके नीचे से निकालते हुए ऐसे फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ पर अब हम पांच फंदे बनाएंगे। एक फंदा ये इसका स्लिप हुआ ये, और चार फंदे आगे से। तो टोटल ये फंदा बुनने के बाद पांच फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार पांच। हर बार हमारा ये फंदा जो नीचे से बनाएंगे, जो तीन फंदे स्लिप किए हैं उसका बीच वाला फंदा आएगा। तो इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और फिर पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर से जो तीन फंदे स्लिप थे, एक फंदा बुन लिया, ये बीच वाला सेंटर का फंदा है। यहाँ से लेंगे सिलाई और इस फंदे को बनाएंगे सीधा, इसके नीचे से निकाल लेंगे ऐसे और ले आएंगे। फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच। फिर से इसके नीचे से डाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये नीचे से निकालेंगे ऐसे, लास्ट के दो फंदे फिर सीधे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की छठी सिलाई थी। दो सिलाई हमने रेड से बनाई है, चार सिलाइयां हमने वाइट से बनाई है। स्टार्टिंग में दो सिलाई बॉर्डर के बाद, वो हमारी बेसिक रो है, उनको हम एक बार ही बनाएंगे जब डिजाइन स्टार्ट करेंगे। फिर छह छह सिलाइयों को रिपीट करेंगे, बारह सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाएगा। डिजाइन हमारा छह सिलाइयों का है, सिक्स रोज पैटर्न है। छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट में किसी में भी डालिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये इस तरह से बन के आता है। अब देखिए क्या करेंगे इस डिजाइन को। अब हम जो ये डिजाइन यहाँ पर है, जो बीच के स्लिप फंदे हैं, अब ये यहाँ पे डिजाइन आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
स्टार्टिंग में जब हमने रेड से सिलाई बनाई तो एक फंदा बुन के तीन फंदे हमने स्लिप किए थे। अब जो ये तीन फंदे हमने बुने थे, अब की बार इन तीन फंदों को स्लिप करेंगे। डिजाइन सेम ही चलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो देखिए ये फंदे हैं जो हमारे, ये स्लिप रहेंगे, तीन फंदे ये फंदे बुनेंगे। तो फर्स्ट फंदा हम वाइट से ही बनाएंगे। अब यह फर्स्ट फंदा बुनेंगे, स्लिप करेंगे और आगे के तीन फंदे अब बुनेंगे रेड से, एक दो तीन। जो स्लिप थे उन फंदों को बुनेंगे और जो बुने थे इनको स्लिप करेंगे ऐसे। फिर से तीन फंदे बुनेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे और लास्ट का फंदा है इसको फिर स्लिप करेंगे। अब आ जाइए रोंग साइड में आठवीं सिलाई में। तो यहाँ से देखिए स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, जो ये रेड फंदे बुने हुए हैं इनको यहाँ से सीधा बनाएंगे। बुने हुए फंदे सीधे बन जाएंगे और स्लिप फंदे स्लिप कर लेंगे ऐसे। फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे। बुने हुए फंदे सीधे बनाएंगे और बगैर बुने को स्लिप ही करेंगे। तो अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये पूरी सिलाई अब हम वाइट से बनाएंगे। सभी फंदे बुन लेंगे, स्लिप फंदे भी बनाएंगे और बुने हुए फंदे भी ऐसे बना लेंगे। यहाँ से ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा सीधा सीधा बनाएंगे और बैक साइड से आएंगे, फिर इसको पूरी को सीधा बनाएंगे। तो ये सिलाई हमारी नौवीं सिलाई थी, यहाँ से पूरी को सीधा सीधा बना के कंप्लीट किया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में दसवीं सिलाई में, यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, ऐसे इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो अब आ जाइए इसकी ग्यारहवीं सिलाई में राइट साइड में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये फंदा हमने बगैर बुना लिया था, तीन फंदे बुने थे, ये फंदे स्लिप थे हमारे बीच के, स्लिप फंदों पर हमारा डिजाइन डलेगा। तो देखिए ये तीन फंदे हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा स्लिप वाले, तो इसमें से एक फंदा ये बनाएंगे और चार फंदे आगे से, तो पाँच फंदे बुन लेंगे। वाइट से ही बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे वाइट से बनाएंगे। ये स्लिप फंदा है बीच वाला, तो इसके नीचे से सिलाई ऐसे डाल लेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, फिर पाँच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच। पांच फंदे बुनने के बाद ये फंदा स्लिप फंदे का बीच वाला फंदा है, यहाँ से करेंगे और इस पे सीधा फंदा बनाएंगे, इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच। फिर से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे रेड फंदे के नीचे से और सीधा फंदा बनाएंगे, इसके नीचे से वापस ऐसे निकालेंगे और फिर पांच फंदे सीधे। तो ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई थी, राइट साइड थी। ये इस तरह से डिजाइन बन के आ जाएगा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में बारहवीं सिलाई में, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए इन्हीं बारह सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे। अब फिर हम जो ये डिजाइन यहाँ पे डाला था, अब ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब फिर स्टार्ट करेंगे, तो जो रेड सिलाई सिलाई शुरू की थी यहाँ से और यहाँ तक, इन्हीं सिलाई बारह को फिर से रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट फंदा हम बुनेंगे रेड से, तीन स्लिप करेंगे
जो ये बीच के फंदे हैं जिस पे डिजाइन डला है, इन फंदों को हम बुन लेंगे। एक बुनेंगे तीन स्लिप, तीन बुनेंगे तीन स्लिप, ऐसे बनाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा डिजाइन बन के आ जाएगा। जब आप इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है और उभर के आने वाला डिजाइन है। बहुत जल्दी जल्दी बनता है और बैक साइड से इस तरह से आता है, कोई एक्स्ट्रा वूल भी नहीं लगती और बहुत ही सॉफ्ट डिजाइन ऐसे बन के आता है। बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।